नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पिकू 9 5G वर्सेस वीवो V20 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पिकू 9 5G में 6.26 इंच जबकि V20 Pro में 6.25 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो पिकू 9 5G में 2.96 इंच जबकि V20 Pro में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि पिकू 9 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो पिकू 9 5G में 0.34 इंच जबकि V20 Pro में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पिकू 9 5G में 200 ग्राम्स जबकि V20 Pro में 170 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पिकू 9 5G में 6.56 इंचेस जबकि V20 Pro में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पिकू 9 5G में 1080x2376 और V20 Pro में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पिकू 9 5G में 86.95% जबकि V20 Pro में 84.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पिकू 9 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच जबकि V20 Pro में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पिकू 9 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और V20 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पिकू 9 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V20 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो पिकू 9 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और V20 Pro में ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पिकू 9 5G में Adreno 660 जबकि V20 Pro में Adreno 620 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पिकू 9 5G में Qualcomm Snapdragon 888 Plus और V20 Pro में Qualcomm Snapdragon 765G मिलता है। बात करें RAM की तो पिकू 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि V20 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पिकू 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि V20 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पिकू 9 5G में एंड्रॉइड V12 जबकि V20 Pro में एंड्रॉइड V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी पिकू 9 5G में 4350 mAh जबकि V20 Pro में 4000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पिकू 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 42,990 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 46,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें V20 Pro की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 29,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो EQ9 5G में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V20 Pro की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में V20 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में EQ9 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा गूगल पिक्सल 4a है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी A72 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।